जहां पर 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ है। वहीं राजीव भवन में जिला कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पिछले वर्ष 7 सितंबर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी ने उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत 4,081 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत 75 जिले और 76 लोकसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था और ये दौरा 136 दिन में उनका पूरा हुआ था, जिसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने पत्रकारों से साझा की है और कल होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी उन्होंने मीडिया को दी है। आज की जो खुशी है वो कल हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी के द्वारा 7 सितंबर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पद यात्रा की गई थी और आज ही के दिन 7 सितंबर के दिन जिसकी शुरुआत हुई थी वो उसकी हम लोग कल वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं समस्त कांग्रेस पार्टी के लोग, और आज जो खुशी उसी के लिए आप लोग की रखी गई थी। और ये जो यात्रा थी ये सामाजिक सौहार्द देश में जो सांप्रदायिक स्थिति बनी हुई है आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए, और राहुल जी पूरे भारत को ये जानना चाहते थे कि क्षेत्र में किस प्रदेश में